मैं हूं अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नारान। नारान जो है ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल सियासी मकाम है और इस मकाम से आए रोज़ कोई ना कोई मसाइल यहाँ के जितने भी हैं वो हमारे दोस्त हैं, ये यूट्यूबर समझ लें, जर्नलिस्ट समझ लें, दुआ न्यूज़ के भाई हैं हमारे, अक्सर इनको हम देखते रहते हैं और मेरी इनसे मुलाकात होगी। इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दे दिया, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नारान के मसाइल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मीर अब्दुल गुलजार साहब, आप हमारे बड़े सीनियर हैं, हमसे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, अक्सर आपकी वीडियो देखते हैं, आपकी रिपोर्टें देखते हैं, तो हमें बड़ी इसमें से जो है होप भी मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मीर अब्दुल गुलजार साहब, हमारा सबसे बड़ा अंदी है ये है कि अगर कोई काम करें तो चारों तरफ से उनकी टांगें जाती हैं। वैसे भी अलमी है ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमी है मेरी नज़र में, वो जो भी कारोबार करता है तो हुकूमती इदारे या मुख्तलिफ माफियाज उसकी न सिर्फ टांगें खींचते हैं बल्कि उसके लिए बड़ी हटल बड़े मसाइल क्रिएट करते हैं। नारान आप जानते हैं, आप यहाँ के चंद महीने का चंद दिनों का सीज़न होता है और उस सीज़न में भी अल हफीज़ अल अमान वो मसाइल होते हैं कि मैं आपको बयान से बाहर है, जैसे भी बड़ा अच्छा सीजन इस चल रहा था, लोगों को बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहे थे मंडी का पुल जाने की वजह से, वो यहाँ पर नहीं है मीर अब्दुल गुलजार भाई, यहाँ नहीं, एक चाय खोखा वाला जो था वो खंजरा पे भी मुतासर हुआ है, वो किसी भी मुतासर हुआ, वो लाहौर में भी मुतासर हुआ, सिर्फ एक पुल की वजह से अरबों का नुकसान हुआ, तो अरबों का नुकसान हुआ और वो पुल एक हुकूमत के लिए एक दिन का काम, तिनके का काम था, एक छोटा सा पुल चौदह रोज उसका लग गया और उस लगे नहीं मीर अब्दुल भाई, उसके साथ एक अलमी ये हुआ यहाँ पर के लिए कि लोगों ने ऐलान कराया कि सारे टूरिस्ट को फ़ौरन यहाँ से खाली किए जाए, टूरिस्ट हमें पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि यार खुदा ना खास ऊपर से भी झील टूट रही है, वो नहीं जा रहे थे, वो बेचारे नहीं जा रहे थे, वो कह रहे कि पहाड़ गिर रहा है या अल्लाह करे कोई जलजला आ रहा ना खुदा ना खास, तो इतनी पैनिक क्रिएट की गई, इतना खौफ और आज फैलाया, इतना खौफ और आज फैलाया गया, आप उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे और आपने वो सिचुएशन को देखा। अच्छा, इससे एक प्लस पॉइंट और मीर अब्दुल भाई, एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जितने भी हमारे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए मिसाल लगाई थी, जो पीछे होटल देख रहे हैं ये भी फ्री था, आप सामने हमारा होटल देख रहे हैं वो भी फ्री, यानी रियायत फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी। अच्छा, खाना आपका 100 रुपये बिल बन रहा है, 50 रुपये लिए जा रहा है, ईवन के अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो यहाँ पर लोगों ने उनको पैसे दे के और पेट्रोल दे के इस रास्ते से ही भेजा है और वहाँ से ही भेजा है, एक बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा मीर अब्दुल भाई, जिस तरह पुल ऑन हुआ, पुल बना, तो टैक्स ऑन हुआ, ये टैक्स पहले नहीं आया ना, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ तो इधर से वो कैपर आ रहे हैं जी, इधर से लाइसेंस वाले आ रहे हैं जी, इधर से जो एक्साइज वाले आ रहे हैं जी, अभी आज ही मैंने एक आप बंदे को पकड़ा, एक बड़ी ये बताइए आप लोग टैक्स ले रहे हैं हमसे, हमें बेनिफिट क्या दे रहे हैं। मैंने फूड वालों को पकड़ा, मैंने कहा जी आप एक होटल पे छापा मार रहे हैं, बिल्कुल आपका हक, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आपने उस होटल वाले को कोई गाइडलाइन दी टैक्स के बदले में क्या मिला? नहीं, आपने उस होटल वाले को कुछ बताया, जैसे मीर अब्दुल भाई आप साफ़ी हैं, आपको एक महकमा आके पकड़ के अंदर करता है, तो आप उससे कहते हैं कि आप मैं साफ़ी हूँ, आपने मुझे कोई गाइडलाइन दी है कि इस गाइडलाइन में मैंने काम करनी है, आपने मेरे लिए कोई दवाइयों कहीं लिखा होता है ना कि एक बंदा आता कहता है आपने वीडियो क्यों बनाई है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि वीडियो लिखा बनाए, ये सही कह रहे हैं। तो मैंने फूड वाले से कहा कि आपने उनको कोई गाइडलाइन दी है, आपने उनको बताया कि इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, लाइसेंस वालों से मैंने कहा, मैंने कहा जी आप उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, यकीन कीजिए हमारे लिए फिजल भाई नारान दुनिया में एक मास्टर थी, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन तरीन जगह है, लेकिन दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, उसके बावजूद मसाइल बड़े हैं, कारोबारी अगर पसंद किया जाता है। अच्छा, वो नहीं बोलते आपने मसाइल इतने आगाह कर दिए, उनको चाहिए ना कि मैदान है, सड़क है, वो आगाह करें, उनकी क्या मजबूरी है? सबसे बड़ी मजबूरी आप समझते हैं कि कारोबारी कारोबारी बंदा कहते हैं जी शरीफ होता है, और जो टैक्सेस लेने वाले होते हैं वो बदले में क्या देते हैं, ये इन्होंने पॉइंट रेज किया है, ये भी तो जो तलबात है अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा एक लिमिट रखें और चेक एंड बैलेंस रखें, और जो चीज़ अगर उनसे लेते हैं उसके बदले में कुछ देने के लिए भी सोचें।
और ये जो कैडीए के मुतालिक इन्होंने बताया कि पकड़ पकड़ कर सेवा को निकालना और उनको दर बदार करना और सड़क पर डालना, ये भी बड़ा नुकसान था और ये मैसेज भी बड़ा गलत किया है। तो मैं वक्त की कमी के बाद माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी आवाज़ को अपने प्लेटफॉर्म के लिए जरूर गाँव में बाला तक पहुँचाएंगे जी। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम आप सर आता रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मीरजुल भाई, आप माशाल्लाह आए हैं, हम चाहते हैं कि आप ही आए यहाँ पर, आप एक दो दिन होंगे तो छोटी छोटी वीडियो बनाए मुख्तलिफ टूरिस्टों से गुफ्तगू करें, आप भी बड़े लोग देखते हैं तो इस तरह हमारी टूरिज्म भी प्रमोट होगी, हमारा नारायण प्रमोट होगा, हमारा पाकिस्तान क्या होगी जी। बिल्कुल इंशाल्लाह, जो कुछ हमारे दस्तयाब वसाइल में आप करेंगे इसी के साथ चाहते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ठीक है सर।